भारत की आज की परिस्थिति और आज की परिस्थिति से निकलने वाले प्रश्न और उनका समाधान, यही तीन बातें मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। बहुत बार आपने मेरे व्याख्यान सुने हैं, आज कुछ अलग बात आपसे कहूंगा जो पहले के किसी व्याख्यान में मैंने नहीं कही, क्योंकि कई लोगों की मांग है कि राजीव भाई आज आप कुछ नई बात कहिए, तो कुछ नई बात भी आपसे शेयर करने की कोशिश करूंगा। और अब मैं मेरा व्याख्यान एक बिल्कुल नई घटना से शुरू करता हूं। अभी थोड़े समय पूर्व हमारे भारत देश में एक जनसंख्या का सर्वेक्षण हुआ था, लोक संख्या सर्वेक्षण जिसको कहते हैं, अंग्रेजी में अगर एक शब्द आप उसको कहें तो सेंसस। हर 10 वर्ष में भारत देश में सेंसस होता है। सेंसस माने पूरे देश की लोक संख्या की परिस्थिति क्या है उसके बारे में सरकार माहिती लेती है, फिर हमारे देश की सरकार का जो माहिती खाता है और उसके साथ एक स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट, दोनों मिलकर एक बुकलेट प्रकाशित करते हैं और वो बुकलेट पूरे देश में परिस्थिति क्या है वो बताती है। तो फरवरी मार्च के महीने में इसी वर्ष माने सन 2001 में सेंसस हुआ। शायद आपको याद होगा, आपके घर में कुछ सरकारी खाता के कर्मचारी आए होंगे जिन्होंने आपसे कुछ प्रश्न पूछे होंगे और उन प्रश्नों का जवाब आपने दिया होगा, उसके आधार पर वो सेंसस पूरे देश में चला। ये सेंसस जब पूरा हुआ तो सरकार ने पूरे देश के सामने कुछ माहिती दी, उसमें से कुछ माहिती मैं आपसे कहना चाहता हूं। पहली माहिती ऐसी मिली कि 101 कोटि की लोकसंख्या हमारे देश में हो गई है। दूसरी माहिती ये मिली कि 101 कोटि की लोकसंख्या में 45 कोटि लोग ऐसे हैं जो बहुत गरीब हैं, और इतने गरीब हैं जिनको दो समय खाने के लिए रोटी नहीं, 45 कोटि लोग। तीसरी माहिती उस सेंसस में ये मिली कि जो 45 कोटि लोगों की भयंकर गरीबी अपने देश में है, इन 45 कोटि लोगों में 25 कोटि लोग इतने गरीब हैं जिनके पास एक दिवस में खर्च करने के लिए 5 रुपया नहीं, 5 रुपए प्रति व्यक्ति नहीं है एक दिवस में खर्च करने, ऐसे 25 कोटि लोग हैं। फिर सरकार की माहिती के अनुसार 10 कोटि लोग अपने देश में ऐसे हैं जिनके पास एक दिवस में खर्च करने के लिए 1 रुपया नहीं, और 5 कोटि लोग तो इतने गरीब हैं अपने देश में जिनके पास एक दिवस में खर्च करने के लिए 50 पैसा भी नहीं। ये हमारी सरकार की माहिती है जो बताती है, और आप जानते हैं कि सरकार माहिती देती कम है छुपाती ज्यादा है। तो अगर इस माहिती को सच्चा मानना हो तो इसमें कुछ और बढ़ोतरी करनी होगी। जैसे सरकार ने कहा कि 45 कोटि लोग हैं जो गरीबी के रेखा के नीचे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है 60-70 कोटि लोग हों गरीबी की रेखा के नीचे, क्योंकि अमीरी की रेखा के ऊपर रहने वालों की संख्या तो 1 या 2 कोटि है इस देश में, और उस अमीरी रेखा के बहुत नजदीक जिसको अपर मिडिल क्लास कहते हैं हम, उच्च मध्य वर्ग, उन लोगों की संख्या मुश्किल से 4-5 कोटि है, बाकी तो मध्य वर्ग है और निम्न मध्य वर्ग है। तो 5-6 कोटि लोगों को छोड़ दिया जाए तो 90 से 94 कोटि लोगों की परिस्थिति इस देश में कोई बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती मेरे अनुमान से। सरकार तो कहती है कि 45 कोटि लोग ही बहुत गरीब हैं। एक माहिती और देता हूं, उसी सेंसस की रिपोर्ट में सरकार ने बताया कि संपूर्ण भारतवर्ष में 25 कोटि परिवार है, 101 कोटि की लोकसंख्या में 25 कोटि परिवार, और 101 कोटि की लोकसंख्या में जो 25 कोटि परिवार हैं उनमें से करीब करीब अगर ऐसा माना जाए कि एक परिवार में 5 लोग रहते हैं, ऐसा सरकार का अनुमान है, तो 25 कोटि परिवार पूरे देश में हैं। अब इन 25 कोटि परिवारों की परिस्थिति क्या है, आपको याद होगा जब सेंसस वाले आपके घर आए होंगे तो उन्होंने इस सवाल को भी पूछा होगा कि आपके फैमिली मेंबर्स कितने हैं, कोई मेंबर काम करता उसके साथ दूसरा कोई काम करता तीसरा कोई काम करता, आपके घर में टीवी है कि नहीं है, फ्रिज है कि नहीं है, ये सब माहिती उन्होंने ली थी। वही सब माहिती अब टेबुलेशन होने के बाद आई है, तो 25 कोटि परिवारों में 11 कोटि परिवार ऐसे हैं जहां संडास की कोई व्यवस्था नहीं, सरकार की माहिती के अनुसार 11 कोटि परिवार, और जो 11 कोटि परिवारों में संडास की व्यवस्था नहीं है उन परिवारों की माताओं बहनों को संडास के लिए सड़क के दोनों बाजू बैठना पड़ता है। मैं पूरे देश में एक एक गांव से दूसरे गांव घूमता हूं, मुझे बहुत दुख होता है कि जब मैं किसी गांव में जाता हूं और मेरी गाड़ी की हेडलाइट सड़क पर पड़ती है तो किसी बहन को किसी माता को खड़े होना पड़ता है, फिर मेरी गाड़ी गुजर जाने के बाद फिर बैठना पड़ता है। कोई मुझसे पूछता है राजीव भाई आपकी जिंदगी में सबसे खराब समय कौन सा होता है, वही समय मैं सबसे खराब मानता हूं। मैं मेरे ऊपर यही सोचता रहता हूं कि मैं किस देश में पैदा हुआ, जिस देश की माताओं बहनों को उनकी जिंदगी के नितांत निजी क्षणों को भी हम कोई व्यवस्था नहीं दे पा रहे,
आजादी के 50 वर्ष अपने देश में हो गए। और 11 कोटी परिवारों में संडास नहीं होने का अर्थ यह है कि लगभग 50% परिवार इस मार से पीड़ित हैं। अभी थोड़े दिन पूर्व मेरी एक नेता से बात हुई, एक मंत्री महोदय से बात हुई, उन्होंने कहा कि राजीव भाई हम तो हर एक परिवार को कहते हैं कि आप 400 रुपए लगाओ तो हम आपके घर में संडास की व्यवस्था करें। तो मैंने उनसे कहा कि भाईजान 400 रुपए देने वाले भी लोग नहीं है इस देश में, आप 400 रुपए लोगे किससे? उनके पास शायद 400 रुपए भी नहीं है जो आपको वो दे सके और आप उनके संडास की व्यवस्था करके दे सके। ऐसी परिस्थिति पूरे देश में है। तो ये तो लोकसंख्या के बारे में मैंने कहा।